मोर ऑन मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं जी। हमारे पास जो है इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि मीथेन जो CH4 जिसको हम लिखते हैं, सी से कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, H4 से हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला है जी, ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, यानी कि जो हम सुई गैस जिसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं जी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मौजूद होता है जी, मीथेन गैस मौजूद होती है, ठीक। अब इसके हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है, यानी इसके कितने मॉलिक्यूल हैं 0.5 मोल्स ऑफ प्योर सिलेंडर ऑफ मीथेन अगर हमारे पास मौजूद हो, जिसमें 0.5 मोल्स का तो हमें पता है, यानी कि गिवन हमें क्वांटिटी क्या है, मोल्स ऑफ मीथेन हमें बता दी गई है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमें मीथेन के मोल्स के बारे में तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमें नहीं मालूम। तो हम लिख देते हैं जी यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके लिए हम लिख देते हैं नंबर, नंबर के लिए NO मैंने लिखा है जी, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि कितने मॉलिक्यूल मीथेन के जो है वो हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ, चले हम लिख देते हैं CH4, ये हमें चूंकि नहीं पता तो हम इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है, ये हमने मालूम करने हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक जो है फॉर्मूला है जी, वो क्या है, हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हम मालूम, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी, उसको हम ले आते हैं जी यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्या करते हैं जी, हम इक्विवेलेंट करते हैं इससे कि जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, यानी कि मोल एक कैलकुलेशन की, केमिकल्स को कैलकुलेट करने की, या उनकी जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं तो ग्राम में मेजर करते हैं, इस तरह से केमिकल्स चूंकि बहुत स्मॉल होते हैं तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं जी, मोल का वर्ड यूज करते हैं, जो कि केमिकल्स की कैलकुलेशन या उसकी वेग करना, उनको मेजर करना, उनका वजन मेजर करना जो है वो बहुत छोटी अमाउंट में होता है, इसलिए हम वर्ड जो यूज करते हैं मोल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जी हम उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि हमें गिवन है, नंबर के लिए अगेन NO मैंने रिप्रेजेंट किया जी, नंबर ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू, हम क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर के लिए मैंने यहाँ पर लिखा जी NA A4, ये जो मैं सबस्क्रिप्ट में राइट साइड पे लिखा जी एवोगैड्रो, और N का मतलब नंबर, एवोगैड्रोस नंबर हमें जैसे कि कैलकुलेशन से पता है 6 पॉइंट, जो हमें दिया गया है कॉन्स्टेंट वैल्यू है 6.02 × 10 की पावर 23। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हमारे पास कैलकुलेशन में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स जैसे कि हमें गिवन है कितना है जी, 0.5 हमें मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मोल्स, और इसको हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है 6.02, यहाँ पर हम लिखते हैं, चलें डिफरेंट कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 6.02 × 10 की पावर 23 से हम क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना चाह रहे हैं। इसको ऐसा करते हैं कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं फर्स्ट वाली ये इसको फाइंड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.5 × हमारे पास क्या है जी 6.022, चले हम इसको कर लेते हैं, और ये हमारे पास आंसर आता है 3.011। तो यहां पर हम लिखते हैं जी 3.011, ये जो 10 की पार है इसको हम एज इट इज लिखते हैं जी, ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ये इसके एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, किसके आ गए हैं जी, मीथेन के, जो कि हमारे पास किस में प्रेजेंट थे, 0.5 मोल्स में प्रेजेंट थे। तो यहां से हमने क्या मालूम कर लिया जी, मीथेन के मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास कितने हैं जी, 0.5 मोल्स ऑफ प्योर सिलेंडर मीथेन का अगर हमारे पास हो तो उसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया जो उसके मॉलिक्यूल की तादाद को, जो कि हमारे पास निकल आई है 3.011 × 10 की पावर 23। यानी कि अगर हम जर्नल एग्जाम्पल लें, हमारे पास क्या होता है, एक कोई भी हमारे पास अगर ऐसा हो कि 1 मोल के अंदर, मैं साइड पे लिख देती हूँ जी यहाँ पर, जर्नल हमारे पास ये है जी, अगर हमारे पास 1 मोल हो, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी थोड़ा सा इसको चेंज करके, 1 मोल जो है, या इसको लिख देते हैं इन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल के अंदर, 1 मोल इन 1 मोल हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, या एटम्स भी कह सकते हैं, या पार्टिकल भी हम कह सकते हैं, वो कितने होते हैं जी, 6.02
टू टू इंटू टेन पार, यहाँ पर हम लिखते हैं 10 की पावर, हमारे पास क्या आ जाता है 23। यानी कि अगर हम 1 मोल ऑफ मीथेन ले लेते तो उसमें कितने होते जी, 6.022 × 10³23 हमारे पास क्या होते जी, उसके मॉलिक्यूल्स होते। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, CH4 एक पूरा मॉलिक्यूल है। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट करना था 0.5 के अंदर। तो जब हमने 0.5 के अंदर कैलकुलेट किया तो ये 1 का हाफ है, यानी कि अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 2 पे, आधा कर दूं, जिस तरह हम इस पे अगर करें 1, इसको साइड पे थोड़ा सा हम करते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.5। जिस तरह हमारे पास इसको आधा करने से, यानी कि 1 मोल को हमने जब आधा किया तो 0.5 आंसर आया था, इसी तरह से जब हमने 6.022 इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसको भी हमने आधा कर दिया, यानी कि हाफ हो गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल के अंदर हमारे पास 6 पॉइंट, हम कह सकते हैं कि 6.022 × 10³23 हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, तो जो हमारे पास बन जाता है जी हाफ मोल, यानी कि 0.5 मोल्स अगर हमारे पास मीथेन गैस का मौजूद हो तो उसमें हमारे पास कैलकुलेशन क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो से, तो वो हमारे पास हाफ उससे कंपैरिजन में आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें आधे हो जाएंगे। तो ये है जी हमारे पास कैलकुलेशन के, मीथेन गैस अगर हमारे पास मौजूद हो, उसके 0.5 मोल्स हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास कितने आंसर आ जाता है जी, हमारे पास आ जाता है 3.011 × 10³23 मॉलिक्यूल्स उसमें मीथेन के प्रेजेंट होंगे।